अखिल भारतीय कन्स्ट्रक्शन मजदूर महासंघाची 24वी अखिल भारतीय कार्यसमितीची बैठक मार्केट यार्ड मधील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात सोमवारी झाली. 2 दिवस चालणाऱ्या या बैठकीला देशभरातील प्रतिनिधी आणि महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत बांधकाम क्षेत्रातील समस्या आणि मजदूरांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. अखिल भारतीय कन्स्ट्रक्शन मजदूर महासंघाची 24वी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक मार्केट यार्ड मधील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. या बैठकीचे उद्घाटन आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटन सोहळ्यास महापौर डॉ कविता चौतमोल, उपमहापौर चारुशीला घरत, अखिल भारतीय मजदूर संघ कन्स्ट्रक्शन महासंघाचे अध्यक्ष जयंतीलाल, भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अण्णा धुमाळ, राष्ट्रीय सरचिटणीस जयंत देशपांडे, कन्स्ट्रक्शन महासंघाचे संघटक मोहन पवार, उपाध्यक्ष नवनीत भाई, भारतीय मजदूर संघाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्यासह देशभरातून राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. कष्टकऱ्यांना एकत्र करण्याचे काम भारतीय मजदूर संघ करत असून कामगारांच्या हितासाठी त्यांच्या सर्वोत्तपरी सहकार्य करू अशी ग्वाही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिली आहे. रायगढ़ जिले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जिले में जहाँ कहीं भी मजदूर दिखाई देता है तो उसके साथ में जुड़ी हुई उसकी समस्याएं, उसके सामने आने वाले समय में जो चैलेंजेस है, जो आह्वान है, उनको फेस करने की उसकी क्षमता, ये अगर हम देखें तो 2017 साल में हम है, पर आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में कई तरीके से अन्याय की भावना ही हर जगह पर मजदूर के मन में दिखाई पड़ती है. हालांकि मैं किसी यूनियन से पहले से ही जुड़ा नहीं हूँ, तो उसकी वजह से कानूनों को शायद कम जानता हूँ. विधायक हूँ, हमारे ऊपर जिम्मा रहता है कि कानून बनाया जाए, पर आमतौर पर कानून बनाते वक्त जो हम बिल्स का कॉपी लेते हैं हाथ में, एक बार कानून बन गया तो उसके बाद में हम उसको हाथ में लेते, फिर उसको वकील उठा लेते या फिर उससे जुड़े हुए लोग इंग्लिश में एक शब्द है इसके लिए स्टेक होल्डर्स, तो जो स्टेक होल्डर्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग फिर जरूरत पड़ने पर उस कानून को उसका रेफरेंस लेते रहते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चाहे किसी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होने दीजिए या वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने दीजिए, उनसे जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं आज ऐसी है कि उन समस्याओं पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है. और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ऐसे अलग अलग समस्याओं पर समाधान ढूंढने का हरदम प्रयास होता रहता है.